चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। ये छोटी सी कहानी एक भूखे लोमड़ी के बारे में है। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ हंग्री फॉक्स सर्चिंग फॉर फूड इन द जंगल। एक बार की बात है, एक समय की बात है, एक भूखा लोमड़ी खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। आफ्टर गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ही सॉ अ बंच ऑफ राइप ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में भटकने के बाद ही सॉ अ बंच ऑफ राइप ग्रेप्स। उसकी नजर अंगूर के गुच्छों में पड़ी जो बेल से लटक रहे थे। ही लुक्ड एट देम। उसने वहां देखा ग्रीडली। ही लुक्ड एट देम ग्रीडली। लालच भरी निगाहों से अंगूरों को देखा। एंड हिज माउथ वॉटर्ड। और उसके मुंह में पानी आने लगा। बट द ग्रेप्स वर टू हाई। अब अंगूर तो बहुत ही ज्यादा ऊंचे थे। ही जम्प्ड एंड जम्प्ड विद हिज माउथ रेज्ड। वो कूदा, वो बार बार कूदा, वो बारंबार कूदा अपना मुंह ऊपर उठाए हुए। बट कुड नॉट रीच द बंच। लेकिन वो गुच्छों तक नहीं पहुंच पा रहा था। ही वॉज सून वेरी टायर्ड एंड टोटली डिसअपॉइंटेड। वो थक सा गया, वो बहुत ही जल्दी थक गया और टोटली यानी पूरी तरह से वो निराश हो गया। ही वेंट अवे सेइंग दैट द ग्रेप्स वर सा। जाते जाते वो बोल के गया कि अंगूर खट्टे थे, अंगूर खट्टे थे। इस छोटी सी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? डू नॉट स्पीक इल ऑफ वॉट यू कैनॉट गेट। लाइफ में, जिंदगी में, जब आप किसी चीज़ को पा नहीं सकते हैं, अगर आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है, तो आपका हक भी नहीं है कि उसके बारे में कुछ गलत बोलें। कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी सफलता तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन बिना जाने, बिना सोचे, बिना पहचाने आप किसी के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। हमेशा अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए।